नौजवानों से काफले वाले आपस में गल्लां पे कर देने एक दूसरे नु कह रहे आया साल खजूरां बड़ियां चंगियां होईयां ने इस साल खजूरां बड़ियां चंगियां होईयां ने मापा दे कानों च जड़े वेले खजूर लफ़ज गया दौड़ के करीब आके कहन लगा आ जड़ी गल कीती जरा दोबारा करे आ जे उन्हें आख्या सी अपनियां खजूरां दियां गल्लां पे कर रहे आ बाबा कहन लगा दसो ये खजूरां किथे होंदियां ने ये खजूरां वाला शहर केड़ा होंदा है उन्हें आख्या तेनू नहीं पता आख्या मैनू नहीं पता वो लोग कहन लगे जड़ा खजूरां वाला शहर है उन्हों लोग मदीना आखदे ने नौजवानों बाबा कहने लगा जल्दी करो मैनू खजूरां वाले शहर लै जाओ उन्हें आख्या कुछ कीमत लगती है कहने लगे पैसे तो कोई नहीं मेरिया गावं भी लै लो बकरियां भी लै लो एक बारी उत्थे लै जाओ जिथे खजूरां होंदियां अपनी जिम्मेदारी तू संभाल ले इस तरह करी के अपने खेतां च जावी तीन दिन नौकरां कोलों काम तू करावी बाप इधर नौकरां नूं दस के गया कि मैं तीन दिन वास्ते जा रहा हां तीन दिन तुहाडा निगरान मेरा बेटा होवेगा नौजवानों बाप जदों चला गया थे इधर बच्चा पहले दिन जदों अज घर विचों निकलिया बच्चा जिहड़ा बड़े नाज नाल पालिया सी बाप ने उन्हों बेटियां दी तरह बड़े नाज नाल पाल के रखिया अज पहले दिन बच्चा जदों घरों निकलिया बाप दा ख्याल है कि मेरा पुत्र किधरे आवारा ना हो जाए इन जमाने की हवा ना लग जाए पहले दिन बच्चा जदों अपने खेतों वाल जा रहा अचानक रस्ते च बच्चे नूं घंटियां दी आवाज आई घंटियां बज रही तुहानू पता है कि बच्चे ऐसी हरकत वेखण ते बच्चे कम भुल जांदे ने मैं कम किड़ गया सा बच्चा सी छोटी उम्र दा पहली मरतबा घंटी दी आवाज सुनी ते बच्चा घंटी दी आवाज वल टुर पिया आबाद वाल जाके ते रुख वेख्या ते ए किसे गिरजा घर विचों ईसाइयां दा माबद इबादत खाना उत्थों घंटियां दी आवाज आ रही बच्चे ने सीढ़ियां ते जाके बैठ के अंदर देखिया ते अंदर ईसाई अपनी इबादत पे करदे ने बच्चे नूं ईसाइयां दी इबादत दा तरीका बड़ा अच्छा लग्या सारा दिन सीढ़ियां ते बैठ के बच्चा ईसाइयां नूं इबादत करदा देखदा रहा शाम नूं घर आया अगले दिन मां ने तैयार करके जो भेजा खेतों वाले बच्चा दोबारा घंटी की आवाज सुनी तो बच्चा गिरजा घर वाल टुर गया अज कल ते सीढ़ियां ते बैठा अज बच्चा अंदर जाके ते पादरी नाल इबादत करन लग पिया इबादत की ते बच्चे नूं लज्जत आई सुरूर आया सुकूने कल्ब मिलिया तीसरे दिन बच्चा फिर गिरजा घर पहुंच गया नौजवानों सारा दिन इबादत की ईसाइयों के नाल शाम वेले जो घर आया तो अगले दिन बाप वापस आया तो नौकरां दस्या कि तीन दिन तेरा पुत्र खेतों च नहीं आया मां ने आखे रोज जांदा रहे बाप ने पुत्र नूं पहली बार जिंदगी च थप्पड़ मारिया ख्याल आया कि मैं तीन दिन गायब होया ते मेरा पुत्र मेरे पाद आवारा हो गया ना खेतां च गया ए गया किथे बच्चे ने थप्पड़ खा के ना ते रोन लग पिया पूछा बाबा मेरा कसूर की है बाप ने पूछा तू तीन दिन रहा किथे बच्चा कहन लगा बाबा मैं ओ ईसाइयां दे गिरजे च जाके ते उन्हां दे रब दी इबादत करदा रहा बाप दा दिल बैठ गया ख्याल आया जी मेरा पुत्र ईसाई हो गया ते मैं ते पूरे इलाके दे आतिश परस्तां दा सरदार मेरा ही पुत्र ईसाई हो गया ते मैं लोगां नूं मुंह केड़ा बखावांगा हजारां सालां तों सी अग दी पूजा करन वाले ते मेरी ते चौधर गई बाप ने मुंह नूं थप्पड़ मुंह ते थप्पड़ मारे ते पुत्र नूं जंजीर पा के ते कमरे च कैद कर दिता कि दोबारा गिरजे वल ना जावे लो भाई सोने नौजवानों इश्क दी दास्तान शुरू हो गई एडे लाडां दा पाला पलिया बच्चा मगर बाप ने जदों बेड़ियां पा के ते कमरे च कैद कीता ना बाप रोज सुबह आके कहंदा बेटा अपने रब नूं छड़ के ते गैरां दे रब दी इबादत नहीं करीदी ते बच्चा बाप दे चेहरे वल वेख के बड़ी मासूमियत नाल कहंदा बाबा मैं देख के आया साडी इबादत नाल उहनां दी इबादत चंगी है ते साडे रब नाल उहनां दा रब वी चंगा है बाप ने वेख्या के पुत्र गल नहीं मानदा
ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਸੀ ਰੱਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਵੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਰੱਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ पादरी ने पैगाम भेजा कि जो उस रब नु मिलना ते मैं ते नहीं मिला सकदा हां साडे ईसाइयां दा मरकज मुल्क शाम दे अंदर है कदे तो मुल्क शाम पहुंच जावे ते ओथू दे पादरी नु मेरा सलाम आखी ओ तेनु रब नाल मिलावेगा बच्चे ने पैगाम भेजा कि मैं मुल्क शाम किवें जावां पादरी ने आख्या कि फलां दिन काफिला ईरान तो मुल्क शाम वल जा रहे उस रात तैयार होके आ जा मैं तेनु काफिले नाल भेज देवांगा बच्चे ने तैयारी कर ली जिस दिन काफिला मुल्क ईरान तो मुल्क शाम वाल जाना सी बच्चे उस रात बेड़ियां तोड़ियां दौड़ के पादरी को लाया पादरी ने मुल्क शाम दे काफिले दे नाल मिला दिता इश्क दी दास्तान शुरू हो गई चौधरियां दा पुत्र मां छोड़ी बाप छोड़िया चौधर छोड़ी जिम्मेदारी छोड़ी ग्रामी कदर हजरात बच्चा काफिले दे नाल टुरिया ते दौड़दा दौड़दा मुल्क शाम आ रहा ਇਆ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ ਉਤੇ ਟੁਰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੁਰੇ पादरी ने आख्या मेरी खिदमत करी जाओ रात नु मेरे नाल रब दी इबादत करी जा मैं तेनु रब नाल मिला देवांगा नौजवान बच्चा सारा दिन पादरी दी खिदमत करदा है सारी रात ओदे नाल अल्लाह दी इबादत करदा है वक्त गुजरदा जा रहा गुजरदा जा रहा इस पादरी दा आखरी वेला आ गया जदू पादरी मरन लगी आओ ये बच्चा पादरी दे सराने बैठ के रोई जा रहा ते कहन लगा मैं मापे छड़ आया मैं अपना वतन छड़ के आया मैं ते सारियां चौधरा छड़ के आया मैं ते रब नु मिलने आया सत मैनु रब नाल भी नहीं मिलाया आप ही टुर चले आए पादरी ने फड़ के बच्चे नु सीने दे नाल लगाया कहन लगा मैं टुर चले आ रब नु मिलना ते मुल्क शाम छोड़ दे इंज कर जाके नसीबैन शहर दे अंदर चला जाओ ओथू दे पादरी नु मेरा सलाम कह देवी ओ तेनु रब नाल मिला देवेगा नौजवानों जड़ वाले पादरी मर गया बच्चा मुल्क शाम चो निकले आओ नसीबैन शहर दे अंदर आया ओथू दे पादरी दियां भी खिदमत करदा रहा उस पादरी दा भी आखरी वेला आया बच्चा ओदे सराने बह के रोई जांदा है कह लगा तू भी टुर चले आए मैं ते रब नु मिलने आया साओ किसे ने मैनु रब नाल नहीं मिलाया उस पादरी ने भी सीने नाल लगाया कह लगा रोई ना इंज कर नसीबैन शहर छोड़ दे नौजवान कहन लगा अमूरिया शहर चला जाओ उस पादरी नु जाके मेरा सलाम कह देवी ओ पादरी तेनु रब दे नाल मिला देवेगा नौजवान जड़ वेले पादरी मर गया बच्चा टुरिया टुरिया अमूरिया शहर दे अंदर आया उथों दे पादरी दियां भी खिदमत करदा रहा किताबां च लिखिया उस पादरी दा भी आखरी वेला आया उन्हें भी सीने दे नाल लगा लिया
कह लगा मैं तेन रब नाल ते नहीं मिला सकया। बच्चा रोई जा रहा कह लगा मैं सारी दुनिया छड़ के आया मैं ते रब नू मिलने आया सा कौन मेनू रब नाल मिलावेगा। वो कह लगा दुनिया च कोई नहीं जेड़ा इस वेले किसे नू रब दे नाल मिलावे। बच्चा रो के कहन लगा ना मैं वापस जा सकना ना मेनू रब मिलिया है मेरी ते सारी जिंदगी अकारते हो गई। पादरी ने फड़ के सीने दे नाल लाया कह लगा अजे ते दुनिया च कोई नहीं जेड़ा किसे नू रब नाल मिलावे। पर किताबां च लिखिया है एक सोना जी आया आने वाला है उन्हें दुनिया नू रब नाल मिला देना। एक सोना जी आने वाला है उन्हें जिंदाबाद एक सोना जाओ ना वाला उन्हें दुनिया रो रब नाल मिलाने। ओ मां बाप बच्चा जल्दी जल्दी पूछदा उहदा नाम की है कह लगा नाम ते नहीं पता। बच्चा कह लगा उहदा शहर केड़ा कह लगा शहर दा भी नहीं पता। पूछया बरादरी की कह लगा बरादरी दा भी नहीं पता। कह लगा इलाका कह लगा इलाके दा भी नहीं पता। मां बाप रो के कह लगा फिर एडी वड्डी दुनिया च मैनू कित्थे ढूंढांगा जिहड़ा रब नाल मिलावेगा। पादरी दी आखरी हिचकियां ते रो के कह लगा किताबा दे अंदरों दीआं तीन निशानियां लिखियां ने जे ओ निशानियां पूरियां हो जावां ते ढूंढ लवी। मां बाप पुछदा जल्दी जल्दी मैनू निशानियां दस। ते पादरी बोल के कहन लगा खजूरां वाला शहर होवेगा। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। बे मुर्शिदा चुप रवे ते मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह। कह लगा पहली निशानी खजूरां वाला शहर होवेगा। कह लगा दूसरी निशानी ए होवेगी के सदका नहीं खावेगा हदिया ते तोहफा खा लवेगा। कह लगा तीसरी निशानी ये वेख उहदे दोनों कंधियां दे दरमियान मोहरे नबूवत होवेगी। ते निशानियां इन्हां आख्या ते पादरी ने हिचकी लई ते उहदी रूह परवाज कर गई। नौजवानों पादरी ते मर गया ते मां बाप कहंदा कि मैं हुण तलाश शुरू कर दी किथे ढूंढा। ग्रामी कदर हजरात ना खजूरां दा पता ते ना खजूरां वाले शहर दा पता। मां बाप कहंदा मेरे को थोड़े पैसे जमा हो गए ते मैं कुछ गावां ते बकरियां खरीद लईआं। मां बाप कहंदा मैं गावां ते बकरियां चार रहीआं ते हर वेले कन्न दाएं बाएं लगा के रखना कोई खजूरां दी गल करे ना ते उन्हें पुछा खजूरां किथे आउंदीआं। अरसा गुजर गया मां बाप एक दिन ऊंट ते बकरियां ते गावां चार रहा अचानक एक काफिला करीब तो गुजरिया। नौजवानों से काफिले वाले आपस में गल्लां पे कर देने एक दूसरे नूं कह रहे आया साल खजूरां बड़ियां चंगीआं होईआं ने साल खजूरां बड़ियां चंगीआं होईआं ने। मापा दे कन्नां च जिहड़े वेले खजूर लफ़ज़ गिआ दौड़ के करीब आके कहन लगा आ जिहड़ी गल कीती जरा दोबारा करे आ जे। उहनां आख्या सी अपनीआं खजूरां दीआं गल्लां पे कर रहे आ। मापा कहन लगा दसो इह खजूरां कित्थे आउंदीआं ने इह खजूरां वाला शहर कहिड़ा आउंदा ए। उहनां आख्या तैनूं नहीं पता आख्या मैनूं नहीं पता। उह लोग कहन लगे जेड़ा खजूरां वाला शहर है उन्हों लोग मदीना आखदे ने। नौजवानों मापा कहन लगा जल्दी करो मैनू खजूरां वाले शहर लै जाओ। उन्हें आख्या कुछ कीमत लगती है कहन लगे पैसे ते कोई नहीं जेड़ियां गावां भी लै लो बकरियां भी लै लो एक बारी उत्थे लै जाओ जिथे खजूरां आउंदियां सोना ते है सी ना पुत्र चौधरियां दा सी ते नाजां दा फलिया सी खूबसूरत बड़ा सी। अचानक रस्ते दे अंदर काफले वाले दी नीयत बदल गई। रस्ते च कबादी आई जिहदा नाम सी वादी उल खुरा। अज भी मदीना ते ये बात जदों मक्का शरीफ दे रस्ते ते जाइए ते एक बोर्ड लगा हुंदा वादी उल खुरा दा। ओ
उस वादी च जदों काफिला पहुंचिया ते काफिले वाले ने बच्चे दा सारा सामान भी खोलिया ते पैसे भी रख ले जो जो कुछ है सी गावां बकरियां भी ला लीं ते बच्चे नूं मार मार के ते मंडी विच लैके जाके ते बच्चे दी बोली लगा दी थी बच्चा विक गया बच्चे नूं गुलाम बना के बेच दिता गया पुत्तर चौधरियां दा पर विक गया गुलाम बन के ओदी कुदरत है ना ओ वकान ते आवे ते यूसुफ वर्गे सोहणे वका दिंदा है अल्लाह दे नबी हजरत यूसुफ जो बच्चे सन ना छोटा बचपन सी ते एक दिन आपने आईना वेख्या ते वेख्या ते मैं बड़ा सोहना ते अपने आप नूं कहंदे ने मैं ते नबी दा पुत्तर हां पोतरा भी नबी दा पड़पोता भी नबी दा वां ते आप भी नबी ते मैं ते नहीं वेखना पर जे होंदा ना मैं किसी गरीब दा पुत्तर ते गुलाम दा पुत्तर ते मैं बाजार च विकना सी ते जे मैं जिड्डा सोहना जे बाजार च मेरी बोली लगदी ते मैं ते बड़ा महंगा विकना सी ख्याल आया जे विकदा ते बड़ा महंगा विकदा उत्तो आवाज आई हुसन ते मान ना करी मैं बत्ती खोटे सिक्कियां ते वका दित्ता ई बत्ती खोटे सिक्कियां ते यूसुफ विक गया गिरामी कदर हजरात जिन्ना वेचिया ना उन्होंने पता किन्नू वेचा ते जिन्ना खरीदिया ना उन्होंने पता किन्नू खरीदिया तो आवाज़ दे हुसन घने ते मान ना करी मैं खोटे सिक्कियां ते वका देना विक गए पर जब आके मिस्र च बोली लगी ना ते जुलैखा खरीदन आई ते शाहे मिस्र दा कुल खुदाना ते दुल तुल गई दौलत सारी अजे भी पल्ला यूसुफ वाला दिसदा पिया है भारी दुनिया की सारी दौलत एक पलड़े च ते यूसुफ एक पलड़े च रख्या ते यूसुफ दा पल्ला फिर भारी नौजवान जदों विकन ते आए ते फिर खजाने सारी दुनिया दे एक पासे ते यूसुफ कल्ला एक पासे कदे खोटी बत्ती खोटे सिक्कियां ते वेख्या ते कदे खजाने मुक गए मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने जे कीमत हुण मैं तसव्वुफ दा नुक्ता सुनावण लगा जे कीमत याकूब करेंदे ते मुल जुलैखा लेंदी जान देंदी एक दीद दे बदले ओ भी कबूल ना पैंदी ना वेचन वाले नु पता किनु वेच रहे ना खरीदन वाले नु पता किनु खरीद रहे मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी फरमांदे ने कदे वेचन वाला हुंदा अबू यकूब ते खरीदन वाली हुंदी आशिक जुलैखा ते फिर जान देंदी एक दीद दे बदले ते ओ भी कबूल ना पैंदी ते कहंदी यकूब एक दीद अपने यूसुफ दी करा दे ते मैं जान दे देवां ते यकूब कहंदे तू जान भी देवे मैं यूसुफ दी एक झलक भी ना वखावां कदर वाले ते ओ सन ना बेकदरिया नु की पता होवे के यूसुफ केड़े भाव विकदा है गिरामी कदर हजरात बेकदरा नु यूसुफ मिस्री कद कदू लगदा सोना मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने आप मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने आप फरमांदे ने के सूरज लगे अज जदों तुसी सुभान अल्लाह इना बोलदे मेरा दिल कहदा मैं फिर वापस चला जावां खिताबत बड़ा मुश्किल सन इत्थे गल विचों गल निकलदी है और तकरीर मैं ते कदे याद करके नहीं मिंबर ते बैठा अलहम्दुलिल्लाह जो साईं अता फरमा दिंदे ने मैं बयान कर देना मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने आप इरशाद फरमांदे ने यूसुफ आप इरशाद फरमांदे ने बेकदरानू ए यूसुफ मिसरी क्यों कर लगदा सोना ते चौम चुड़ी दे नखरे यारो ते सूरज लगे कलोना बारल मुड़ वापस आ जावा बोली लागी ते बच्चा विक गया जड़ा चौधरियां दा सोना जा बेटा सी
नौजवानों जड़े वेले खरीदन वाले खरीद के लागे टुरे अचानक मापा राज से पूछता मैनु किथे लैके चले हो मालक ने आख्या सी तेनू मदीने लैके चले हो मापा दी चीख निकल गई रो के आसमान वल वेख कहन लगा सारी कायनात बनाने वाले तेनू मिलन वास्ते गली गली रुल चले चौधरिया का पुत्र गुलाम बल्के वेख गया वा पर जे कदे हुण भी मिल जावे ते सौदा महंगा कोई नहीं गले आसमान वल वेख कहन लगा ना केड़े मुंह ना तेरा शुक्र अदा करो जे गुलाम भी बनाया खजूरा वाले दा बनाया गुलाम भी बनाए ते खजूरा वाले दा बनाया काफिला टुरिया 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 जदों मदीना तैयबा दे बाहर आया ना ते ओ दूर खजूरा दे दरख्त नजरी आए फकीरा फकीरी दूर है जितनी के लंबी खजूर है चढ़ जावे तो खावे मेवा गिर जाए तो चकना चूर है उन्हें जद खजूर का दरख्त वेख्या ना ते काफिले वाले ने पूछा ए ए ए दरख्त केड़ा उन्हें आख्या इन्हों खजूरा कहंदे ने खजूरां दे दरख्त वाल वेख्या जब गलियां मदीना तैयबादियां आया ते दाएं बाएं लैंदा चढ़दा दखन पहाड़ वेखदा ओ ओ ओ ओ किथे वे जिहड़ा रब नाल मिलांदा है क्योंकि है ते उन खजूरां वाले शहर विच ही ना इश्क जदों हुसन दी नगरी च आया ना ते आके तवाफ या करदा गलियां दा ते दाएं बाएं वेखे के ए ए ए खजूरां वाला शहर है मगर ओ किथे वे किताबा च लिखा कि ए पहुंच गया मगर हजूर अजे मदीने नहीं पहुंचे नबी पाक अजे मक्के वस रहे ने यानी हुसन अजे नहीं आया ते इश्क यार दिया गलियां दा तवाफ करन पहले पहुंच गया हुन सारा दिन मापा मदीने दी गलियां च फिरदा ते हजूर नूं ढूंढदा है पर हजूर ते है नहीं अजे आए नहीं पहले दिन मालिक ने जदों खजूरां वाले बाग च लैके गया ना ते मालिक ने आख्या खजूर दी उपर वाली टहनी ते चला जा खजूरां दा फल पके ते तू खजूरां नीचे सट ते मेरे गुलाम इकट्ठियां करके करेट बनावणगे ते मैं बाजार च बेचांगा ओ मापा जाके उपर वाली टहनी ते बैठ गया ते खजूरां की तोड़नियां सन नीचे मदीना नजरी आवे ते एक 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 गली वल वेखे ओ किथे होए जिहड़ा रब नाल मिलांदा है उड़ीक लग गई सोने दी हुण ले चला हज़रत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह दे दरबार उते बोलो यार सुभान अल्लाह बोलो आरबे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने रस्ता उड़ीका रस्ता उड़ीका ए मैं दिल भरे अपने जिस वेले दिल काली पावे ते मैं रोआ अंदर वड़े के नौजवानों दिन भी यार दिया उड़ीकां करदा रहा ते भी उड़ीकां करदा होए जिहड़े वेले आके मदीने दियां गलियां च दिल फिरदा है कदे खजूरां दे दरख्तां वल वेखदा है नाले उड़ीकां करदा नाले कहंदा दरख्तां वाला खजूरां वाला दरख्त शहर भी खजूरां वाला है पर सुनिया कदों मिलेगा ना ते रब नूं मिलन टुरिया सा गली गली रुल गया वा अजे मैनूं किसे रब दे नाल नहीं मिलाया नौजवान खजूरां दे दरख्तां वल वेखी जांदा है नाले मदीने दियां गलियां च फिरदा है खाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह आ फरमांदे ने उच्चियां लमियां लाल खजूरां ते पत जिनां दे सावे जिस दम नाल परीते साड़ी सकुयो दम नजर नया वे गलियां साको सुंजड़सी वने साको वेड़ा खामन आवे गुलाब फरीदा उठे की
बसना जिथे यार नजर ना आवे जो है भाई ठीक हो जिन्हों हो ना किसी माहे की उड़ीक जिन्होंने तांग हो किसी सोने की सदर हो ना महबूबा की इंतजार ते उड़ीक हो किसी साईं दा फिर दरवाजा हवा नाल बिखड़ के ते इंज लगता जिवें यार आया ते जिहड़े उड़ीकां वाले हुंदे ना ओह नीवें खलो के माहे दीआं उड़ीकां नहीं करदे ओह उच्चे खलो के मैं पहली बार जब भाई दिलबर गया ना मदीना तैयबा नारोवाल के कलामा साहब मेरे दोस्त ने ओवैसी साहब मैंने कह लग्या साहब आओ मैं तुम्हें एक जियारत करा के लिया बड़ी अजीब जियारत मखे जी वह मैंने मदीना तैयबा दुरानी गलिया चु लै गए एक मुहल्ले च लैके गए एक जगह पर मैंने खड़ा करके कह लगे आसी साहब आओ जगह जिथे खलो के मदीने वाले ना हिजरत की रात हजूर का इंतजार करते सन मैं पूछे इतने खलो के क्यों करते सन कह लगे आसी साहब इतने खलो के बड़ी दूर तक नजर आता है मदीना तैयबा उस दौर च सब तो बुलंद जगह सी मैं उत्थे खलो के जब उस रस्ते वाल वेखा ना जरा मक्के तो मदीने वाल पुराना रस्ता आंदा सी ते मेरा तखयल तसव्वुर 1500 साल पिछे टुर गया मैं क्या वाह उड़ीक वाले हो खलो भी उच्ची जगह जाते हो उची जगह खलो के माही दी राह वाल वेख के भी उन्होंने तसली नहीं होंगी खलो भी उची जगह जाते हैं तो अड्डिया चुके ना पब्बा पार होर उचे होके माही दी राह उड़ीकते हैं मैं होर आसान करके समझाव तुहानू उड़ीक हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने एक दिन मैं बाग च गया तो वेख्या फलदार दरखत टहनियां लटक रही विच एक सरू का बूटा तो सीधा अकड़ के खड़ा करीब जाके फरमाते ने तेरी बरादरी झुक के खड़ी तू बड़ा अकड़ के खलोता है फरमाते ने दरख्त बिचो आवाज आई मुहम्मद बख्शा इन्हां नूं यार मिल गया है मैनूं उड़ीकां लगियां होईयां ने उस दरख्त दे नाल फिर मियां साहब ने टेक लगा के लिखिया आ फरमाते ने सरू आजाद हैरान खलोता पैर जमीन बिच गड्डे उच्चा हो रस्ता वेखे मता यार कितों सिर कढ़े बोले ही नहीं सुभान अल्लाह बड़ा भाई सलामतपुरा वाले हाजमा दुरुस्त है तुहाडा एडे एडे वड्डे जुमले हजम कर जांदे हो उच्चा जोर लगा के हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह गुजरात जाइए ना ते बड़े मशहूर बाबा जी ने हजरत बाबा जी कामम वाली सरकार असल नाम है हजरत बाबा करम इलाही सरकार रहमतुल्लाह अलैह बाबा कामम वाली अज भी रोजे ते जाइए ते हर तरफ कवे नजर आंदे ने कां नजर आंदे ने बहुत बहुत ज्यादा बेशुमार कवे होंदे ने अपने मिजार ते आपने किसे पूछा बाबा जी कोई तोते पाल दा है कोई कबूतर पाल दा है कोई चिड़िया पाल दा है कोई मोर पाल दा है लोग खूबसूरत परिंदे पाल दे ने एक काले रंग दा कव्वा ते कां इहदे नाल भी कदे किसे प्यार कीता तुसी इहनू पाल दे हो इहना नाल प्यार कर दे हो हजरत बाबा कामा वाली सरकार ने फरमाया मैं सुनया है कि कवे दी उम्र बड़ी लंबी हुंदी है इमाम तमीरी रहमतुल्लाह अलैह हयातुल हैवान च लिखदे ने कवे दी उम्र 500 साल भी हुंदी है कवियां दी उम्र 1000 साल भी हुंदी है हजरत बाबा कामा वाली सरकार ने फरमाया मैं सुनया कवे दी उम्र बड़ी लंबी हुंदी है मैं ना कामा नाल प्यार करना और किसे दिहाड़े मेरे बनेरे ते ओ भी कां आके जिन्हें कमली वाले दी ज़ियारत कीती उड़ीका वाले फरमा होरे कोई कां ही आ जाए जिन्हें कमली वाले नु भी वेख्या होवे मैं ओनु ही वेख लवां जिन्हें माही नु वेख्या है वाह उड़ीका वाले हो ओ भी उड़ीका करदे पिया सुनावा उड़ीक दा रंग
امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف چ فرما دے کہ حضرت ہود علیہ السلام دے دور چکر نوجوان سی او دا نام سی یہودا مستجاب الدعوات سی ہر دعا قبول ہوندی سی انہیں دعا کیتی یا اللہ میں سنیا ہے کتاب اج پڑھیا صحائف وچ کہ اللہ دا نبی آوے گا یوسف علیہ السلام تے حسن دی نگری دا ہوے گا تاجدار انہیں عرض کیتی مولا اس ویلے تک مینوں موت نہ دیوی جب تک میں تیرے یوسف دی زیارت نہ کر لواں اللہ نے فرمایا جی یوسف نو ویکھنا تے او مصر تے کنعان دے درمیان ایک کنواں ہے اس کنویں چ جا کے آرام کر تے اوتھے یوسف آوے گا انہیں 1200 سال عبادت کیتی کنویں چ جا کے کنے اسی تے پانچ نمازاں جماعت نہ پڑھیے تے اپنے آپ نو ولی تے دوسرے نو دوزخی سمجھن لگ پینے ہاں کہ میں بڑا پرہیزگار ہاں باقی سارے دوزخی نے انہوں پوچھو جنہیں 1200 سال عبادت کر کے اڈیق کی تھی 1200 سال بعد حضرت یوسف جدو پیدا ہوئے تے ویرہ نے آپ نے پاؤں رسی نہ بند کے جدو رسی کٹ دی تھی نہ کوئیں چے لٹکا کے تے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام جدو کوئیں دے اندر گئے تے جبریل نے تخت لے آکے جنت دا پیرا تھلے بچھایا نا تے حضرت یوسف تخت تے بیٹھے او یہودہ دا نوجوان بھی کوئیں دی دیوار چو نکلے تے آکے تخت تے بیٹھ گیا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام فرمان لگے مینوں تے ویراں نے سٹیا ہے تو کتھوں آیا ہے انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی نبی اللہ ویراں دا گلا نہ کریں تینوں کھوج ویراں نہیں سٹیا تینوں کھوج میریاں اڈیکاں لے کے آئیاں پتہ چلیا اڈیک سچی ہوے نا تے ماہی چل کے آ جاندے نے ਇਹ ਸਮਾਹੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸੋਇਆ ਕਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਸੋਇਆ ਕਰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਡੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੋਇਆ ਕਰ ਉਹ ਮਾਹੀ ਬੜਾ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ تو ماحول تے بنا اکھچ کو اتھلو تے سجا تصوف نے بھی دسیا تے اج سائیکولوجی والے سائنس والے بھی کہندے نے کہ جدا خیال آوے نا خواب بھی اودا آندا ہے یہ ایڈیا دی فلم تے گانا سن کے سوویں گا تے خواب ڈراونے آون گے درود پڑھ کے سویا کر پھر خواب وچ ماہی مدینے والا آوے گا باوضو ہو کے سویا کروں نیک او نہیں ہوندا جڑا محفل وچ تے لوگاں چ بیٹھ کے نیک ہوے نیک او ہوندا جڑا تنہائی چ وی نیک ہوے سبحان اللہ جدی تنہائی پاک ہوے جڑا کلا بیٹھا وی نیک ہوے او نیک ہوندا ہے میری ملت دے نوجوانوں اپنی تنہائیاں نو پاک کرو وضو کر کے درود شریف پڑھ کے سویا کرو آکھیا کرو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے پھر راتی آوے کملی والا خواب وچ تے کھلے آنکھ سلے الا کہتے کہتے اڈی کملی والے دی کر کے سویا کرو بڑا لاجواب ہے او بھی اڈی کا کردا تسی بھی عرض کریا کرو محبوب محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب ڈب ہنجواں دے وچ چلے آواں تے تر جاواں ڈب ہنجواں دے وچ چلے کری جا رہے ادھر نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے تانوں یاد ہے نا مدینہ شریف پہنچے تو پہلے نبی پاک نے مدینے تو باہر مقام قبا تے پڑاؤ کیتا ادھر حضور مقام قبا تے پہنچے سارے مدینے والے میرے نبی دا استقبال کرن جلوس لے کے قبا دے مقام تے پہنچ گئے ادھر ماں بانا کھجور دی اوپر والی ٹہنی تے بیٹھا کھجورا اتار کے پیا سڑ دے تے نیچے مالک کھڑا تے مالک کھجورا کٹھیاں پہ کر دے ڈھیر لگا رہے
अचानक खजूर के बाग च ना ये मालिक के चाचे का बेटा आया उसका कजन ते आके ते ओ नीचे हुण गल पे कर देन कहन लगा ओ मदीने के बार कुबा दे मुकाम ते को मक्कियों परदेसी आए ने हिजरत करके ते विच एक बड़ा ही सोहना ते मदीने वाले जाके कोई उदा कदम पे चुमद है ते कोई उदे हाथ पे चुमद है ते ओ जिहड़ा आया ना ओ कहंदा है मैं रब नाल मिलान आया। बस आ अल्फाज जदों माबा दे कन्ना च पे ते माबा कहंदा मैनूं इंज लगे जिवें मैं नीचे डिग जाणा। माबा जल्दी जल्दी उपर तो उतर के ना ते आके ते ओ ओ ओ मालिक दे चाचे दे पुत्र नूं पुछदा है आ जिहड़ी गल कीती जरा दोबारा करी। मालिक ने मुंह ते थप्पड़ मारिया कहन लगा तेरी इन्नी जुर्रत अपने मालिक दी गल दे विच बोलन चल कम कर। माबा टुरिया टुरिया खजूर दी ओ उपर वाली टहनी ते टुर गया ते जिधर मालिक दे चाचे दे पुत्र इशारा कीता सी ना कि इधर आए ने खजूर ते बैठ के उधर पिया वेखदा होरे नजरी आ जाए। सारा दिन काम करदा रहे जदों शाम नूं छुट्टी मिली ते ख्याल आया जाके वेख के ना आवां ओ जिहड़ा रब नाल मिलांदा है। टुरन लगे ते अकल ने रोक लिया। अकल ने आखिया ठहर जा निशानियां भी पूरियां करनियां ने। सारा खजूरां दा बाग फिर के ते ओ जिहड़ियां पक्कियां पक्कियां सुरख खजूरां सन ना ओ कट्ठियां करके ते गिफ्ट पैक बना लिया सोहना जिहा खूबसूरत। हुण गिफ्ट पैक बना के ते टुरे टुरे ते मुकामे को बात आए सहाबे के बार बैठे मदनी भी ते मक्की भी दरम्यान च कमली वाले आके ना ते एक सहाबी दे कंधे ते माबा हाथ रख के कहंदे ओ किथे वे जेड़ा रब नाल मिलांदा है। ए इंज करके सहाबी रसूल जदों नबी पाक वाले इशारा कीता ना ते माबा दी निगाह जदों पहली बारी रुखे मुस्तफा ते पई। नौजवानों ने मैं केड़ा रंग देवा एक माह मदन गोरा सा बदलनी ची नजरें कुल की खबरें। एक माह मदन गोरा सा बदलनी ची नजरें कुल की खबरें। एक माह मदन गोरा सा बदलनी ची नजरें कुल की खबरें। वो दिखा के फपन वो सुना के सुखन मोरा फूंक दिया सब तन मन धन। मां बाते दौड़ के जाके कदम ही चमले दिल करे बस सोने दे हो जावा। अकल कवे दरा ठहर निशानियां पूरियां कर ली है। हजूर दे सामने बह गया माबा खजूरां दा गिफ्ट पैक पेश करके कहन लगा सुनिया मक्के आए हो ते परदेसी आए हो ते सारा कुछ मक्के छड्ड आए हो ते भुख लगी होवेगी ते मैं भी खजूरां दा सदका देना सी ते आ बढ़िया बढ़िया चंगियां मिट्टियां खजूरां ते पक्कियां खजूरां सुरख ते आ मैं जी सदका लेके आया। नबी पाक ने ना खोल के ते हुज़ूर ने फरमाया सहाबा खजूरां खाओ। सारे तकसीम कर रहे ते खा रहे। माबा कहे हुण मैं सोचा वेखा भला सदके दी खजूर खांदा के नहीं। हुण माबा एक बारी खजूर वल वेखे ते एक बारी हजूर वल वेखे। सारियां खजूरां सब ने खा लिया पर हजूर ने एक भी नहीं खाधी। माबा कहंदा गल पक्की हो गई सदका नहीं खांदे। ओ किदा सदका खावे सारे जहां ते ओदे सदकियां ते फे पल दे ने। चंद दिन गुजरे ते माबा दा दिल करे फिर जावा। थोड़ा हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए। हाथ ना को चुके मत किधरे शहीद ना हो जाए। इंज सुबह लो बोलते ने जिन्ना लंगर पहले खा लिया हो नहीं खादा पुत्र घरों भी थोड़ा खा के आया को ना बंदा सुभान अल्लाह कहन जो गई हो जाता है। चलो उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मापा कहंदा अज ख्याल आया छुट्टी है ते अज जाके फिर ना मिल के आवां। अज फिर ख्याल आया खजूरां लेके जावां। उस दिन चंगियां चंगियां पक्कियां ते सुरख खजूरां सदके दियां। अज गिफ्ट पैक बनाना सी मगर देना हदिया ते तोहफा। अज सुकियां सुकियां खजूरां लईयां ते लैके टुर पे नबी पाक की बारगाह जाके ना ते खजूर सामने रख के कहने जी आ मैं हदिया लेके आया। उस दिन चंगियां खजूर पर हे सदका मेरे नबी नहीं खादा। अज हैं सुकियां
पर है हदिया, पहली खजूर मेरे नबी आप खा दे। मबा कहंदा गल पक्की हो गई, शहर भी खजूरां वाला है, सदका भी नहीं खांदे ते हदिया खा लेंदे ने। हुण एक निशानी रह गई है मोहर नबूवत दी। चंद दिन गुजरे ना ते मबा खजूरां पे तोड़ दे ते किसे आके आख्या यार ने, उन्हें आख्या ओ ओ जिद ना तू इश्क करना ना ओ ए नाल जनाजा पढ़ान आए ने। मां बा दौड़े जाके वे कहते नबी पाक जनादा पढ़ा के बैठे, सहाबे के बाहर बैठे दो चादरा, एक नबी पाक ने तहमत एक दी बुक्कल मारी। नौजवान मां बा के मेरे नबी करीम दे सामने बैठ गया, ख्याल आया मोरे नबूवत दे कंड दे पीछे बे, हुन मां बा टुरिया टुरिया दाएं कदे बाएं कदे सामने कदे पीछे, हुन मैं इंज कह लवा मां बा मेरे नबी दे दवाले इंज फिर दे जिवें लोग काबे दा तवा कर देने। तेर वेले मेरे नबी दी निगाह उठी, सरकार दी निगाह उदे चेहरे ते पै गई, नबी करीम ने बुकल खोली फरमाया आ जा जो वेख नहीं मैं वखा। जड़ वेले मोरे नबूवत देखी नाले अपने लब नबी दी मोरे नबूवत रख दीते, नाले चुमी जांदा नाले रोई जांदा अर्ज करदा कमली बालिया मैं ते रब नूं मिलन वास्ते रुल गया, चौधरियां दा पुत्तर सा गली गली रुल गया ते बिक के गुलामियां भी पिया करन सोने आ गली गली रुल गया, मैनू किसे रब नाल नहीं मिलाया, मेरे नबी फड़ के सीने दे नाल लाया ओदा हाथ फड़िया ते रब दे हाथां विच फड़ा दिता। इन अल्लदीन युबायउनक इन्नमा युबायउन अल्लाह। यदुल्लाह फौक अईदीहिम, अल्लाह फरमांदा जिन्ना तेरे हाथ च हाथ दिते उन्हां रब दे हत्थां च हाथ दिते ने। मेरे नबी ने उहदा हाथ पकड़िया ते रब दे हत्थां च फड़ा दिता, कलमा पढ़ाया। ए माबा कौन है? ए ओ ये माबा जिन्हों तारीख इस्लाम दे अंदर बड़ा वड्डा आशिक रसूल हजरत सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला नूं कहा जांदा है। मैनूं ते तुहानूं मां दी गोदी च कलमा मिलिया, असीं पैदा होए ते साडे कन्नां च जिहड़ी पहली आवाज आई अल्लाह अकबर सी। सानू इस वास्ते कलमे की कदर नहीं। मियां साहब फरमाते ने मुफ्त नियामत मिलदी जिसनू ओ ना कदर पछाने, मर मर के हथ आवे जिसनू सोई ओ कीमत जाने। सानू ते कलमा मिलिया मां दी गोदी विच, सानू कदर नहीं। पुछ उन्हां कोलों जिन्हां गली गली रुल के मिलिया, जिन्हां खुदा दा कुर्ब ते मुस्तफा दी जात रुल रुल के मिली, उन्हां नूं पुछ दीन दी कदर की है। गिरामी कदर हजरात, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला फर जदों दरे मुस्तफा ते पहुंचे, इस दर दे बाद ते बस दरे खुदा है ना ते ए दरे खुदा है पहुंच गए। इस तो बाद फिर हजरत सलमान फारसी सारी जिंदगी मुस्तफा दे कदमां च गुजार दित्ती। ए ओ बाबा जिन्हें सारी जिंदगी घर भी नहीं बनाया मुस्तफा दे, आओ सामने चबूतरे ते बह के ना असहाबे सुफा दे चबूतरे ते नबी पाक जड़ियां खजूरां भेज दे सन, ओ खा के मुस्तफा दे बूहे ते जिंदगी गुजार देती।